मोमिन खां हाँ अपने ज़माने के बहुत पाए के हकीम थे इसके अलावा शतरंज के माहिर और औरजुम में भी दिलचस्पी रखते थे एक बार का क़स्सा है जब वो सुखानंद राक़िम के साथ शतरंज खेल रहे थे आप वजीर तो बचाइए अपना मोमिन जी इस बार आप इस नाचीज को मात नहीं दे पाएंगे अजी देखते रहिए वो सामने दीवार पर छिपकली देख रहे हैं आप उसका जोड़ा जब पूरब से आएगा उस वक्त मैं आपको मात दे दूंगा आधा बजे लाता हूँ तो। सहबाई साहब आइए साहब आइए चलिए जी जी आपसे नहीं आप तशरीफ रखिए बहुत दिनों के बाद तशरीफ आवरी हुई साहब भाई साहब क्या करूं किबला जब से दिल्ली कॉलेज में मुलाजमत की है अपने आप से भी मिलने का वक्त नहीं मिलता वाह वाह क्या शायराना अंदाज है अपने आप से भी मिलने का वक्त नहीं मिलता भाई वाह ये आपके साथ कौन साहब है जी मैं इन्हीं के काम से आया था बेचारे मुशायरा करा रहे हैं आपको तकलीफ देने मुशायरा? हाँ। सहाई साहब दिल्ली के आप शरीफों के जाने काबिल नहीं रहे ये वजह फरमाया आपने उस्ताद जौक है कि अपनी उम्मत को लेकर चढ़ाते हैं शेर समझने की तो तमीज़ी नहीं किसी को वाह वाह अल्लाह से तबीयत मुनकस कर देते हैं हकीम आका जाना ने खुद हत पाल रखा है। उस रोज क्या शेर पड़ा था उस जानवर ने हा मरकजे महवरे गर्दू बलब नहीं मरकजे महवरे गर्दू बलब आब नहीं नाखून कौज कजह शिकव मिजराब नहीं मार भाई कोई काम की चीज हो तो दिखाना बेवजह वक्त जाया ना करना हुजूर, वो लायदा तो फरमाइए वैसे मेरा बुलावा किले से भी आया था मगर हमने कहा पहले हकीम साहब क्या वेली बाद में किला <laughs> <laughs> क्या दिखाए तू कपड़े जरा आंगन में लाओ आओ मेरा कपड़े जरा धूप में देखें बहुत बेहतर हुजूर इन पे इनायत हो जाती तो जी जी इन पे इनायत हो जाती हाँ हाँ मैं आपके मुशायरे में जरूर आऊंगा आदाब आदाब जरा नहीं होता असर उसको जरा नहीं होता असर उसको जरा नहीं होता रंज राहत रजा नहीं होता तो 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 आगे। तो आगे। तुम हमारे किसी तरह न हुए तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता एक दुश्मन की चरख है एक दुश्मन की चरख है न रहे एक दुश्मन की चरख है न रहे तो उससे ये ऐ दुआ नहीं होता चाराए दिल चाराए दिल सिवाय सब्र नहीं चाराए दिल सिवाय सब्र नहीं सो तुम्हारे सिवा नहीं होता वाँ वाँ। तुम, मेरे पास होते हो गोया। तुम मेरे पास होते हो गोया तुम मेरे पास होते हो गोया तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता क्यों सुने अर्ज मुस्तरिब मोमिन क्यों सुने अर्ज मुस्तरिब मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता मोमिन खान तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता भाई ये शेर मुझको दे दो और मेरा पूरा दीवान तुम ले लो गालिब साहब

मिजाजी और रंगीनी का बड़ा हाथ था उनका मिजाज लड़कपन से आशिकाना था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई इश्क किए मोमिन की मसनवियों से इस पहलू पर काफ़ी रोशनी पड़ती है आ गारते जान वान मोमिन खान मान मोमिन चुभाते हैं इतने जोर तुझको आता नहीं क्या कुछ और तुझको थे बरस हम शुमारा ए फ्लाक के हुआ पाय माल सूरत ख़ाक खो दिया चैन एक महारू ने शब सिया की खला आबरू ने खंजर गमज़दा ने हलाक किया नर्ग से सुरमा सा ने हलाक किया दोनों एक ताजाकार उस्तादा दोनों दिलदार दोनों दिलदादा निकले अरमा खयाल के क्या क्या हुए वादे विशाल के क्या क्या दोनों बिछड़ गए और मोमिन गम में तड़पते रहे फिर अचानक एक शादी में उनकी माशूक मेहमान हुई एक खाली मकान में आकर मिल गई चुपके चुपके ढप पाकर जान से यूं गुजर नहीं जाते मुंह के पीछे मर नहीं जाते एक जरा आपको संभालो बस मिसले गम हसरतें निकालो बस जब महबूबा फिर अलग हो गई तो गश खा गए होश आया तो फिर एक और हसीना को देखा अब्रश के तब्र का बाईस वाह बन गए हाथ मेरे वाह रोज गुल है हायबिसात का जोश हर शहर खानदाय निशात का जोश था नाम तो मोमिन और दीन कुफ्र था नाम तो मोमिन और दीन कुफ्र जा मैं वहें बुता दिल नशीन कुफर है याद वो दोस्ती का आलम वो शौखी वो दिलबरी का आलम अंगड़ाई कभी तो हंस के ले लेनी चिलमन कभी उठ के छोड़ देनी बस ख्वाहिश दिल से रह न सका और पासे हया से कह न सका फिर क्या ही शरारतों से कहना पर्दे में इशारतों से कहना किस लुत्फ़ से छेड़ती सताती गुदगुदियों में खूब सा हंसाती हो जाती है हंसते हँसते बेदम आती है मुझे हिचकियां हरदम कहती किसने तुम्हें याद किया आती नहीं हिचकियां सिवा याद हाँ किसने किया है तुम्हें याद बोलो है कौन तुम उसका नाम तो लो आईने को रखती आगे लाकर और कहती ये मुंह से मुंह मिलाकर लो देखो ज़रा ख़ुद करो इंसाफ़ हम दोनों में किसका रंग है साफ़ क्या उसकी भी सूरत ऐसी ही थी क्या उसकी भी तलात ऐसी ही थी पर उसमें ये बात तो ना होगी क्यों मेरी सी गात तो ना होगी ये चश्मे सियाह तो ना होगी ये शौख़ निगाह तो ना होगी ऐसी तो शरारतें ना होंगी ये गर्म इशारतें तो ना होंगी गर कोई घड़ी लग गई देर ये फिक्र के किस लिए हुई देर बेफायदा बेकरार रहना वस-वस से दिल ही दिल में कहना क्या देर का या खुदा सबब है क्यों आए नहीं वो क्या सबब है अब और तरफ़ है दिल तुम्हारा आना है यहाँ नागवारा लगता नहीं अब यहाँ ज़रा जी बेजार यहाँ से हो गया जी पर तुम भी तो हो गए अब कैसे थे पहले तो लुत्फ कैसे कैसे अब मेरी नहीं है राह दिल में है और किसी की चाह दिल में जिस रोज से के बिगड़ी मेरी जहाँ तुम बस खैर कहाँ मैं और कहाँ तुम आखिर वही तुम हो और वही हम पर क्या है कि अब नहीं वो आलम एन शबाब जवानी में सैयद अहमद ब्रेलवी के हाथ पर बेद देकर उनके मुरीद हो गए सैयद अहमद ब्रेलवी शाह वली की मसलक से थे जो उस ज़माने में गाजी कहलाते थे 1830 में बालकोट का हादसा पेश आया जिसमें महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज पर धावा बोलकर सैयद अहमद और उनके साथी जिहादी मारे गए इस वाकये से मोमिन को बड़ा सदमा हुआ और वो ऐशो इशरत छोड़कर इबादत की तरफ झुके पहले के मुकाबले अब नमाज रोज़ा भी करने लगे जो दाखिल सिपाहे खुदा में हुआ फ़िदा जी से राहे खुदा में हुआ हबीबे हबीब हबीब वंद है खुदा वंद उससे रज़ा मंद है इमाम ज़माने की यारी करो खुदा के लिए जानिसारी करो जो है उम्र बाकी तो गाजी हो तुम सज़ावार गर्दन फराजी हो तुम इलाही मुझे भी शहादत नसीब ये अफजल से अफजल इबादत नसीब इलाही अगर चहूँ तीरा कार पर तेरे करम का हो उम्मीदवार

आता नहीं क्या कुछ और तुझको मार ही डाला मुझे चश्मे यादा से पहले अपनी मंजिल को पहुंच जाऊं कज़ा से पहले है मेरी मौत ठहर उनको ज़रा आने दे जहर का जाम ना दे मुझको दवा से पहले आप कुछ चारागरी कीजिए गर्ज नब्ज़ देखो कि हो तख्शी से मर्ज मैंने उस नब्ज़ पे जो हाथ धरा हाथ से मेरे मेरा दिल ही चला साफ संदल से ज़्यादा वो हाथ नर्म मखमल से ज़्यादा वो हाथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं एक औरत फ़ातिमा बेगम जिसको साहब जी भी कहते हैं दरमिया शाहजहानाबाद के हकीम मोमिन ख़ान से मुलाकात बतरकीब इलाज हुई बहुत दिन तक आशनाई रही कई साल गुज़रे लखनऊ चली गई वो एक ख़ानगी थी मसनवी कौल गमी मोमिन खां की इस महबूबा के हक़ में है मोमिन की सोहबत में वो भी शायर बन गई और मोमिन उनकी इस्लाह करते रहे अपने कोठे से गिरने की उन्होंने तारीख बाजू बशिकस्त कही और हुक्म लगाया कि पाँच दिन या पाँच महीने या पाँच बरस बाद मैं मर जाऊँगा चुनाचे पाँच महीने बाद उनका इंतकाल हुआ सन अट्ठारह सौ बावन में दिल से शोक को दिया कि वो है मुहिब हुसैन का और दिल रखे शमर का सा न जाऊंगा कभी जन्नत को मैं न जाऊंगा अगर न होवेगा नक्शा तुम्हारे घर का सा